मथुरा एआरटीओ हमेशा से ही चर्चित रहा है। एआरटीओ संभागीय परिवहन विभाग में आज एक पत्रकार के साथ की गई अभद्रता। बाहर गेट पर हो रही गेट नंबर 16 पर बैठे बाबू ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए लोगों के साथ की अभद्रता। उस दौरान एक पत्रकार कर रहे थे उसकी कवरेज, तभी आरटीओ साहब बबीता वर्मा ने कुछ पुलिस कर्मचारी भेजकर पत्रकार कवरेज करने से रोका और उसके साथ अभद्रता की। ऐसे अधिकारी पत्रकारों के साथ अभद्रता करते रहेंगे क्या? पत्रकार किसी झगड़े को कवरेज नहीं कर सकता, सोचने की बात है। आप बताएं, अधिकारी पत्रकारों के साथ अभद्रता करते रहेंगे क्या? पत्रकार किसी झगड़े को कवरेज नहीं कर सकते हैं, यह सोचने की बात है कि एक पत्रकार क्या एक कवरेज नहीं कर सकता। मथुरा में आए दिन परिवहन अधिकारी एवं दलाल यह काम करते हैं, बल्कि यह साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि दलालों का कार्यालय में प्रवेश वर्जित है, पर आम जनता खिड़कियों पर चिल्ला चिल्ला कर सुबह से शाम हो जाती है, पर उनका काम नहीं हो पाता। जब आम जनता चिल्ला रही थी खिड़कियों पर, तब भी एक पत्रकार कृष्ण कुमार ने अपना कैमरा निकाला और वीडियो कवरेज करने लगे, तभी एआरटीओ बबीता वर्मा ने कुछ पुलिस कर्मचारी को भेजकर उनका मोबाइल छीन लिया, आई कार्ड छीन लिया और कहा कि हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपको जेल भेजवाएंगे। मामला यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी के आदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी जी का कहना है कि कोई भी पत्रकार किसी भी अधिकारी के दबाव में काम ना करे। यहां मथुरा में भ्रष्टाचार हो रहा है या पत्रकार के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है और एक पत्रकार के साथ जेल भेजने की साजिश हो रही है। काफी शब्द उनके लब्जों से निकले गए, काफी यह करवा दूंगी वह करवा दूंगी, आप चाहे कुछ भी निकाल ले इस न्यूज से, मैं चाहूंगी तो करूंगी, आम जनता से यूं ही पैसे लेती रहूंगी, मैं पैसे लेकर ही ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस काफी काम पैसे से लेकर ही करूंगी। कुछ दिन पहले दो मृतक के ड्राइविंग लाइसेंस यहां बना दिए गए थे, बताओ कि मृतक के भी ड्राइविंग लाइसेंस बन सकते हैं, पर यह काम मथुरा में हो रहा है। आगे तो बना आगे जो छोड़ के बाल जो छोड़ के खड़े था फिर से मैडम कहना है वही इसमें जो रिपोर्ट नहीं है इसका, मैंने दिखाया था वो बोला था मैंने इसका रिपोर्ट नहीं है, ये बोल रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं है और आगे ले शुरू करो ब्रो, ये हैवी लेसन पता बोला है क्यों, ये मोबाइल का क्या क्या दिखा रहे हो, मोबाइल दिखा रहे हो? क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। अच्छा, क्या मामला है? आज थाना रिफाइनरी आए हो जी? यहाँ एआरटीओ बबीता वर्मा ने मेरे साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया, अपने पुलिस कर्मचारियों से करवाया, मेरा कार्ड छीना, मेरा मोबाइल छीना और उसकी एफआईआर दर्ज कराने आया मैं यहाँ। क्या एक पत्रकार है जो अपने कैमरे से क्या वीडियो नहीं बना सकता कि खिड़की पर जब लोग वहाँ पर खिड़की पर चिल्ला रहे थे कि हमारा काम कराओ कराओ, उनको सुबह से शाम हो गई वहाँ झगड़ा कर रहे थे, खिड़कियों को ठोक रहे थे, खिड़कियों को खटखटा रहे थे, मैं वहाँ पर एक वीडियो बनाने लगा तो बबीता वर्मा जी ने अपने कर्मचारियों से कहकर कहा कि इसका मोबाइल छीन लो और इसको यहाँ पे लाओ, इसको जेल भिजवाएंगे, और यहाँ ऐसे पत्रकार बहुत आते हैं और चले जाते हैं हमारे पास। के साथ अभद्रता की गई है? हाँ जी। अच्छा, तो आपने अभी इसमें कहाँ किसको अवगत कराया? जी मैंने अवगत SSP साहब के यहाँ फ़ोन कराया, पर वहाँ पर भी फ़ोन नहीं लग रहा, महानिरीक्षक ज्वाइन आगरा को भी फ़ोन कराया, वहाँ भी फ़ोन नहीं उठाया जा रहा, और यहाँ थाने में मैं तहरीर देने आया हूँ। क्या एक पत्रकार अपने फ़ोन से कहीं भी वीडियो बना सकता है, ये आम जनता की जन सुनवाई पर भी डाल सकता है, कैसे भी एक पत्रकार का नियम है कि वो वीडियो बनाना, जिसमें योगी जी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया है कि कोई भी पत्रकार किसी भी अधिकारी के दबाव में काम ना करे। यहाँ तो माजना कुछ और ही निकला कि एआरटीओ साहब उल्टी दबाव बना रही हैं पत्रकार को दबाने के लिए और उसकी साजिश बनाई जा रही जेल भेजने के लिए। कहना चाहूँगा कि पत्रकार बंधु भाई मेरी मदद करें, कल आज मेरे साथ हुआ है, कल और किसी भी भाई के साथ हो सकता है ये। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? जी मैं न्याय चाहता हूँ, जैसे मेरे साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया है उन्होंने, आप CCTV कैमरे लग रहे हैं जहाँ RTO ऑफिस है वहाँ देख सकते हैं, किसी भी अधिकारी को दिखा सकते हैं, अगर मेरी गलती है तो आप कहोगे जैसा होगा। ऐसे खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें।